जानी वो वहाँ बंदूक पर क्या जुर्म ढाएंगी। तुमने हमारी जिंदगी तो बर्बाद करी थी, अब बंदूक की जिंदगी मत बर्बाद करो प्लीज। सही कह रहे तुश्रावणी, अर्चना को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था, मुझे करना चाहिए था ये। तू इस घर की बहू बनने वाली है, अर्चना इस घर की कोई नहीं है। अपनी सास का अपमान तूने खुली आंखों से देखा कैसे? लेकिन सविता का तमाशा बनाना चाहती थी, लेकिन उस अर्चना की वजह से खुद तमाशा बन गई। इतने लोगों के सामने मेरा ऐसा अपमान, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा अर्चना ने। लेकिन अर्चना, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। तेरा एक एक शब्द सूद समेत वापस कर दूंगी तुझे। अर्चना, मैं तुझे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी नफरत को प्यार में बदलने की कोशिश मत करना। तेरी नफरत ही मेरी जीने की वजह हो गई है। मैं चाहकर भी तुझसे प्यार नहीं कर सकती। तू मुझे प्यार करने पर मजबूर मत कर अर्चना। अरे नमस्ते। नमस्ते सविता थे। आइए ना अंदर। अर्चना बेटा, पारा देख तेरे आई बाबा आए हैं। देख क्यों रही है? जा, मैंने उनको बुलाया है। बाबा अर्चना, कहिए तो। श्रावणी कैसी हो बेटा? तबीयत ठीक है ना? आई तू बैठ ना, मैं चाय बनाती हूँ। अर्चना, चाय वगैरह तो होता ही रहेगा, आज मुझे सविता ताई से कुछ बात करनी है, और वो भी अकेले। सुलोचना ताई, आप कुछ कहने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ। कल पार्टी में हमारे साथ जो भी कुछ हुआ, उसके लिए अगर आप सहानुभूति जताने आई तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं सविता ताई, मुझे तो उस बारे में कुछ बात ही नहीं करनी है, मैं बस आपसे एक विनती करने आई हूँ। बोलो। आप तो जानती है कि वर्षा की शादी 5 दिनों के बाद है, बड़ी बहन होने के नाते अर्चना इन सब में शामिल होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर मानव भी उसके साथ शामिल हो, मेरा मतलब है इन 5 दिनों में अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मानव हमारे घर आ सकता है? सविता दे, 1 महीने के बाद अर्चना और मानव का तलाक होने वाला है, दामाद होने के नाते उसका हमारे घर ये आखिरी फंक्शन है, इसीलिए हम चाहते हैं कि वो इस फंक्शन में जरूर शामिल हो। मेरी बस आपसे ये आखिरी विनती है, इसके बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, और शायद मुझे कुछ मांगने का मौका ही ना मिले।